गोर लगातनी समाचार बटुए डुमराव से बड़ा खबर आ रहा बटुए। डुमराव में भइल भयंकर आग लगी, सात गो बकरी भइली साफ, दू गरीब परिवार के आसियाना जरे से 10 लाख के बटुए नुकसान। बाल बाल बचले आसपास के रिहायशी इलाका के लोग। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर में तेजी से बढ़त तापमान आ भीषण गर्मी के बीच आगलगी के घटना भी सामने आ रहल बा। शनिचर के डुमराव के लालगंज कड़वी स्थित वार्ड संख्या 18 भीषण आगजनी के कारण सात गो बकरी मौका पे ही झुलस के मर गई सब। वही एगो गर्भधारण मवेशी बुरी तरह से झुलस गई। गांव के लोग आ दमकल के एगो टीम के द्वारा कड़ा मशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिहल गई। हालांकि अब तक आगजनी के कारण के पता नहीं खे चल पावल। घटना के बाद पीड़ित दू गो परिवार के सदस्य के रोवत रोवत बुरा हाल हो गई बा। सूचना पे पहुंचल सीओ आ राजस्व कर्मी के द्वारा क्षति के आकलन कइल जा रहल बा। सीओ आश्वासन देले बाड़ी कि अति शीघ्र ही लोग के सरकारी नियम के अनुसार सहायता प्रदान कइल जाए। मिलल जानकारी के अनुसार लालगंज कड़वी निवासी नथुनी राय पिता स्वर्गीय बालेश्वर राय आ राम अवतार राय पिता बेलासी राय के झोपड़ी में शनिचर के साँझी का करीब 4 बजे न जाने कौना कारण से आग लग गई। घटना के बाद स्थानीय लोग फायर ब्रिगेड के सूचना दिलस, जेकरा बाद दमकल के टीम मौका पे आके आग के बुझौलस। ना तो आसपास के रिहायशी इलाका में भी आग लग सकत रहे। आगलगी में नथुनी राय के झोपड़ी के साथे साथ कपड़ा बिछावन कुछ नगदी अनाज मवेशी के चारा के साथे 4 गो बकरी झुलस के मर गई सन। ओ जे राम अवतार राय के झोपड़ी के साथे चौकी चारपाई कपड़ा अनाज आ 4 गो बकरी मर गई सन। ओ जे एगो भैंस बुरी तरह से झुलस गई, जेकर स्थिति बेहद नाजुक बतावल जा रहा बा। हे घटना के बाद गरीब परिवार के रो रो के बुरा हाल बा। डुमराव सीओ अंकिता सिंह के द्वारा बतावल गई कि सूचना पे पहुँच गई नी आगलगी के आकलन कइल जाता, साथ ही साथ आग कैसे लागल एकर कारण भी पता लगावल जाता। पीड़ित के साथ हमार संवेदना बाद जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार के नियमानुसार मुआवजा के राशि प्रदान कह दिहल जाए। लाइव तस्वीर देखा रहल बा भोजपुरिया समाचार ओ आग लगी के। संजोग रहे कि अगल बगल आग ना पहुँचल, नहीं तो कोनो बड़ घटना से इनकार ना कइल जा सकत रहे। भोजपुरिया समाचार चैनल सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर करी ताकि देश ना विदेश तक पहुँचे। धन्यवाद।